सन्यासन ते नाको महिमान सजंत्र यत्र पूर्वे साध्या संतु देवा ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः नाना सुगंध Thank you.
भगवान की बोलो, शंकर भगवान की बोलो, श्री रामचंद्र भगवान की बोलो, हनुमान जी महाराज की बोलो, दुर्गे मैया की बोलो, हीरादास बाबा की बोलो, सभी देवी देवताओं की, अपन अपने गुरु महाराज की, अपन अपने माता पिताओं की जय जय श्री राधे। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति दुन्नातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्याद लक्ष्यम एकम नित्यम विमल वचनम सर्वदी साजभूतम भावातीतम सर्वतम सदौं ब्रह्म तम नमामि। ओकम करोति वाचालम कमलम गते गिरवरम यतम कृपा तुमार वंदे परमानंदम सागरम। ओम अभिविष्टाते सिद्धार्थे पूयतो यासुरासुरे सर्वगणतम श्री गणाधिपते नमः। गजाननम भूदड़ा शिवतम कपदी प्रचार वचन मासुरगुणात्कारकम नमामि विघ्नेश्वरम। पादभंगजम भक्तुम्यम महाकाय कोटिशोरिशं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वाधिसारिके शरण्यमके गौरनारायणी नमोस्तुते। ओम यन्ति मंगलाकाली भद्रकाली कपालनिर्वाचमाशुवारात्रि स्वासुधा नमोस्तुते नमः। शुक्लांबरं धर्वं देवं सशिवरं चतुर्भुजरूपं प्रणवदनं ध्यायते सर्वरूपे शान्ति सर्वदा सर्वकार्येषु नाशितं देशां मंगलं येषामिति भगवान् मंगलाय तनोरि। ॐ मंगलं भगवान् विष्णुं मंगलं गणध्वजाय मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोरि। ॐ त्वम्बे चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्त्वलोके पितामहे अवक्षमण्डले शासनं सर्वात् सिद्धे। ओम शांतिकारं भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विमलं स्वागतं लक्ष्मीकांतं कमलिनयनं गुरुविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भैरवं सर्वलोकैकनाथं वंदे देवापितरं सर्वगुरुनिजतकारं वंदे पन्नगभूषणमक्षीयमामृतातं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आरो महासायक चारि चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम ब्रह्मा मुरारिद्वानकारी वंशजी भूमसुतो बुधस्य गुरस्य शुक्रस्य निरावकित्वा सर्वे ग्रासा अंधकारा भवन्तु। ओम अतुलित बलदामयं सलावदेयं धनुर्वान कसानिकान नाम गृह्यं सकलगुणनानां बाणां दीशं रघुपति विरक्तं बाध्यातं नमामि। ओम गंगासन सरोदी नर्मदा कावेरी सयमनरा सरवती वेदिका च प्रावेदवती मासननी ज्ञाताचया गणगा गुणा पूर्णजले समस्ता कुर्वन्तु मंगलम्। ओम श्री शरदस्ताशी कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं वारी।
जन्म गयो हरे भगत बिन। चौथापन आ गया, विषयों से विरागी नहीं हुआ, अपने हृदय में गलानी हुई, दुख हुआ, ये जीवन बिना भक्ति के बस वैसे चला गया। तीन पन वैसे चले गए, चौथापन आ गया, विषयों से विरागी नहीं हुआ, कभी मैंने परमात्मा की ओर ध्यान नहीं किया। उन्हें तुरंत अपने पुत्र को बुलाया और कहा, हे पुत्र, अब हम अपने उद्धार के वास्ते, कल्याण के वास्ते अब हम बन जाते हैं। अब हमारी आयु भजन करने की है, राज्यपाठ करने की नहीं। उत्तान पाद को बुलाया, उत्तान पाद ने मना किया, नहीं पिताजी, मैं इसके योग्य नहीं हूं, आप ही राजा हैं, आप अच्छे राजा हैं, न जाने मुझसे राज्य चला या नहीं चला। उन्होंने जबरदस्ती कहा गया, बर बेस राज सुत तब दीना, बर बेस राज सुत तब दीना, अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य दिया। वो समय देखो कि पुत्र को जबरदस्ती राज्य देते थे, आज पुत्र जबरदस्ती राज्य लेते हैं। आज राज्य पुत्र जबरदस्ती लेते हैं, माता पिताओं से छीनते हैं, तब जबरदस्ती दिया जाता है। और उन्होंने राज्य देकर के एक नैमिषारण्य तीर्थ था, यह सभी देवताओं के तपोभूमि है, सभी ऋषियों की वह तपोभूमि है। वहां जाकर के
वहाँ अनेक सिद्ध महात्मा मुनि रहते हैं और उसी तीर्थ की ओर दोनों पति पत्नी चल देते हैं। धर्म के मार्ग पर दोनों ही चलें। आज देखो पति का मत अलग है तो पत्नी का अलग है, घर परिवार में सबकी मति अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा। वो दोनों पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हैं। पंत जहां तसो है मत धीरा, पंत जहां तसो है मत धीरा, पंत जहां तसो है मत धीरा। पहुंचे जाए धैन मत तेरा, पहुंचे जाए गोमती नदी में जाकर के स्नान किया, हर्षायमान होकर के प्रसन्न मन से स्नान किया, उनका शरीर निर्मल हो गया। ऐसे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, कितना बड़ा साम्राज्य को त्याग करके, संसार में व्यक्ति एक पैसा नहीं त्यागता, किसी चीज को धन दौलत को नहीं त्यागता, तामे तो वो पूरे साम्राज्य को त्याग करके, खजानों को सब को त्याग करके, उनके अंदर कितना बड़ा त्याग वैराग्य हुआ। उस वैराग्य की चर्चा को सबने सुना तो बड़े बड़े महात्मा सिद्ध मुनि मिलने के लिए आए, दर्शन के लिए आए। देखो तो सही, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, बड़ा धर्म का धुरंधर है, धर्म का पालन करने में बहुत बड़े हैं। चलो उनके अंदर, उनके अंदर जो वैराग्य जगा हुआ, उनके जो विचार हैं, ऐसे मूर्ति के तो दर्शन करने पर ही बहुत पुण्य मिलता। आज तो कोई कुछ भी करे करे कोई नहीं जाता, कहा बुलाया नहीं, अगर बुलाया भी है तो मन से नहीं बुलाया, बड़े आदर से नहीं बुलाया। आज कोई आता जाता ही नहीं, आज होती ना बात, कहते हम महात्मा हैं उससे मिलने के लिए जाएंगे, वो बिना बुलाए मिलने गए, दर्शन करने गए। वैराग्य हरेक के अंदर नहीं जगता, त्याग हरेक के अंदर नहीं जगता, परंतु क्या करें, पहले का समय तब का समय था, अब तो कलयुग ने किसी को छोड़ा ही नहीं, यहां तक कि महात्माओं तक नहीं छोड़ा, गृहस्थ की तो बात अलग। आज कितने बहुत कम मात्रा में रह गए जो भगवान से ध्यान लगाते, अपने कर्तव्य का पालन करते, ज्ञान वैराग्य भक्ति को समझते हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं,
ऐसी बहुत कम मिलेंगे, अभी कम मिलेंगे वो अपने लिए उपलब्ध भी नहीं है। अब तो इतनी भरमार हो गई है महात्माओं की तो जाना कि बिन बस 10 रुपया भेंट के दी से जाए कि तो चाहे 10 कोश या 20 कोश जमीन को मिल जाए। अगर वह 10 रुपया मिले, 20 मिले, 50 मिले वो आए पड़े तो भेंट के कहने लड़े जाए झगड़े जाए। अरे तुम घर घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, संसार को छोड़ा, एक पैसे के लिए लड़ रहे। कहा गया है धन के हित दावे धर्म तजे, धन को ही निरंतर ध्यान धरे, बने वंचक बेश ठगे जग को करे, काटे का मंडल माल करे, अति दीन ग्रहीन लूटन को कही, कोते को कम कसे टूटे परे, ये लक्षण तात या संतन के पचे, पाप ही में जे आप मरे। धन के हित धावे, धन के कार्य तो उन्हें सुनाई पज्जा के अमृतसर में या कोई बहुत दूर जाके कमरा बट रहे हैं, बड़ बड़ी भेंट विदाई बट रही है तो वहां तक नहीं छोड़ेंगे। धन के हित धावे धर्म तजे, अपने धर्म को छोड़ देते हैं। बने बंचक भेष ठगे जग को, महात्माओं के भेष में आकर के भैया क्या क्या नहीं करते, कर काट का मंडल माल करे, अति दीन ग्रहीन न लूटन को कई, कोत को कंक से टूट पड़े, ये लक्षण तात असंतन के, सो पापई में नित आप मर बचे आप मर। एक महात्मा दिशा मैदान के लिए गए दूर, और वहां जूड़े में ते बाने अपने पैसन की पोटली निकाल के गांठ खोल के नाई, और वो गिन रहे। बगल में कोई दूसरा भैया बैठो, महात्मा को नहीं दिखाई दिया, वो देख रहे और गिन रहे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही बाने सोची जी मेरे पास 24 मोर रह गए, एक मोर और रह जाए सिर्फ 25 हजार। और जिसने वो सुना वो जल्दी से उठ करके घर आया, उसने विचार किया ये तो अच्छी कमाई है, बाप है तो जरो जरा उधर है, हाँ कैसे उन्हें करके ये लेना चाहिए। महाराज जब तक आए तब तक तो उसने अपनी पत्नी से कहा महात्मा पे 24 मोर है, हाँ बड़ी अच्छी मर गई है, जल्दी से कुछ खाने पीने के नाश्ता पानी के लिए कुछ बना। जैसे ही महात्मा जी धीरे से आए, धीरे धीरे अपना कमंडल मांझते हुए दरवाजे पे ठारे महाराज, अरे महाराज आओ, महाराज आओ, ये पानी रखो है, कुल्ला मुल्ला करो, नहाओ धो, और महाराज आज तुम्हारा निमंत्रण है, वो एक मोर हम तुम्हें दक्षिणा में देंगे। महात्मा बोले बस यही 25, अब काम बनेगा, पूरी है भाई, बहुत बढ़िया अच्छी सुंदर भोजन बनाए, और भोजन पाकर के निवृत्त हुए। उसने अपनी पत्नी से कहा वो यहां मैंने जो 24 मोर रख दी थी अलवारी में वो कहां है। भाई पत्नी ने कहा महाराज मैं तो बिता गई हूं ना, मुझे कहा पता है वह तो वैसे तुम ही है और बाबा है, हाँ तुमने मैं तो दूर बैठे तुमने लिए तो बाबा ले हूं, हाँ और बाने दो चार जमाए थे है बाबा को ना बोले। महात्मा बड़े भाग्य से आते हैं दरवाजे पर, हाँ उनको भोजन खिला करके पुण्य लेना चाहिए, तू महात्मा पर चोरी लगाए दे, पांच चार पांच और झाड़ दें। और रोने लगी मैं क्या करूं, मैं तो भय देगी भय धरी, और भय बस तुम्हारे दोनों के अलावा और को ना, तुम तो लेते ही करके गाने बस महात्मा ही है और परिवार हो तो बहुत ही ना। उसने कहा महाराज तुम एक काम करो अपनी जो तलाशी दे दो ना, और फिर जब देखूंगा मैं इसको, हाँ चलो इसके मन का संतोष हो जाएगा, तलाशी भाई तो पता ही वो जूड़े में धरी है,
हाँ जैसे जुड़े टल्लो दो कनाना नहीं से आगे और माने एक दो तीन चार ऐसी माने कि नहीं चौबीस देखो मारा मैंने कही ना हट बात मार से चोरी नहीं लगाते कोई बात नहीं ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं उसमें से 24 मोर में एक ने कार्य कराई और एक महात्मा दे दी ले महाराज और महाराज कब कृपा होगी कब आवेंगे महाराज ने कही 24 फिर आ जाएंगे तई आ जाएंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कुछ तो संसार में जो अपने उद्धार के लिए अपन घर त्यागा कल्याण के लिए त्यागा उधर को तो बिल्कुल मन ही नहीं है मन तो न जाने किसके पीछे है जो सही महात्मा जिसके अंदर भगवान की कृपा भगवान की भक्ति है उनको ऐसा लगता है कि चलो वहां चलें और दर्शन करें ताकि उनके दर्शनों से अपने भी लाभ मिलता है इसलिए आए मिलन सिद्ध मुन ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋष जाने वो जहाँ भक्ति होती है वहां जाते हैं ज्ञान होता है वहां जाते हैं वैराग्य होता है वहां जाते हैं जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य में वृद्धि हो उस जगह पर जाते हैं और उनसे वहां जाकर के ऋषि मुनियों की सेवा सत्कार किया मनु महाराज ने उनसे सब कुछ दिया लिया उनसे कथाएं सुनी और उनसे मंत्र लिया द्वादश अक्षर मंत्र पुने जपै सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरो दंपति मन यतिला ओम नमो भगवते वासुदेवा ये 12 अक्षर का मंत्र लिया और उस मंत्र का दोनों पति पत्नी वहां जाप करते हैं और जाप करते तब कोई बहुत बड़े अच्छे मेवा मिष्ठान नहीं खाते रबड़ी वगैरह नहीं खाते करे है यहाँ साक पल करना उन्होंने साक फल कन्न मूल फलों का आहार करके स्वयं ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण करते थे भगवान के हित फिर कुछ समय बाद भार्य धार मूल फल त्याग फिर कन्न मूल फल सब त्याग दिए केवल जल के आधार पर रहे उन्होंने बहुत बड़बड़ी तपस्या करी उन्होंने उस ब्रह्म सच्चिदानंद की तपस्या करी निशाम बिरांच विष्णु भगवान जिस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महादेव अनेकों उत्पन्न होते हैं उन ब्रह्म की तपस्या करते हैं तपस्या को देख करके ब्रह्मा विष्णु महादेव कई एक बार उनके पास आए
विधि हरि हर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा। परीक्षित महाराज कहते हैं, प्रभु अगर वो आए वरदान देने के लिए तो उन्होंने मांगा क्यों क्यों नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन उन्होंने इसलिए नहीं मांगा कि उन्होंने बार बार कहा मांगो मांगो, ये देना नहीं था, केवल लोभ देना था। मांगे हो पर बहु भांत लुभाए, जब लोभ देते हैं तो परम धीर नहीं चले चला। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो लोभ में नहीं आते, उन्हें पता है कि कुछ उनके आने पर हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आया, कई एक बार आए चले गए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सोचा ये लोभ दे रहे हैं, लोभ तो खराब है, लोभ को तो त्याग करके आए। तब उन्होंने कई एक बार आए नहीं मांगा, तब स्वयं ब्रह्म की बाणी हुई, मांगे मांगे बरो भाई नैब बाणी, जैसे आकाशवाणी हुई मांगो मांगो मांगो, परम गंभीर कृपा मृत साने, वाणी ऐसी हुई गंभीर वाणी, और उस वाणी में एक कृपा रूपी अमृत सन करके आया। वो कृपा रूपी ऐसा अमृत सन करके आया उस वाणी में, अब वाणी जब कानों के अंदर गई तब शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, पुष्ट तन भय सुहाए। जब उन्होंने सोचा कि अब कोई आ गया और अब मांगना चाहिए, उन्होंने कहा प्रभु अगर जो अनाथ हित हम पर न हो, हम अनाथ हैं महाराज, आप अनाथों के नाथ हैं, अगर आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु तो हम आपसे कुछ मांगते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माई, 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 जय का हरण मोने यतन भगत बचल प्रभु कृपा, भगत बचल प्रभु यथा दरिद्र विबुध तरपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचारी, सकुच हुई क्या मांग क्या कहे। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, सकुच को छोड़ दो, सकुच बिहाए मांगे नृप मोई, सकुच बिहाए मांगे नृप मोई, सकुच बिहाए मांगे नृप मोई, सकुच बिहाए सकुच बिहाए मांगे नृप मोई, जन कहो आप सकुच को छोड़ करके मांगे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है मैं तुम्हें नहीं दे सकूंगा, जो कुछ मांगोगे मैं सब दूंगा। तब मनु महाराज ने कहा दान श्रोमण कृपा नदी नाथ कहूं सतभाव,
चाहो तुम्हारी समान सुतर, आपसे क्या बात छुपी। प्रभु सन कवन दुरा, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा तो ठीक है। जिस समय मनु महाराज तपस्या कर रहे, वहां और भी महात्मा तपस्या कर रहे, उन्होंने वरदान मांगा, महाराज आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे, और ऐसा वरदान दो कि मैं आपके बिना, जैसे जल के बिना मछली मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं भी आपके बिना न रहूं। ऐसा वरदान मांग करके कहकर के उनके चरणों में भगवान के में गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अंशों के सहित आऊंगा और तुम्हारे यहां तुम्हें भक्तों के हित के लिए अच्छे अच्छे चरित्र करूंगा। ये मेरी माया है, ये भी आएगी। परंतु उन्होंने माया की ओर ध्यान नहीं दिया। पास में एक महात्मा और थे, कहने लगे प्रभु इन्हें तो केवल आप चाहिए, आप कह रहे मेरी माया आएगी और जो उसके बारे में हाना कुछ नहीं कर रहे, इनके साथ में मुझे भी आपके दर्शन हुए, इसीलिए महाराज इस माया को मुझे दे दो, ये माया मेरे यहां आ जाए। महात्माओं से उनको भी वरदान दे दिया, कोई बात नहीं, अगर हमारी माया को आप चाहते हैं तो हमारी माया तुम्हारे यहां चली जाएगी, हम यानी के यहां चले जाएंगे। वो महाराज जी जनक हुए और भगवान ने कहा मरु महाराज से अब तुम अब संसार में बढ़ोतरी किसकी हो रही, खल चोरों की और जुआ खेलने वालों की। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। खलता अंदर में कूट कूट के भरी हुई, जुआ खेलने वाले बढ़ गए, मदरा पान करने वाले बढ़ गए, और पराए धन को ताकने वाले बढ़ गए, पराए स्त्री को ताकने वाले बढ़ गए। और जब ऐसे हो जाते हैं तब क्या करते हैं, मान ही मात पिता नहीं देवा। माता पिता को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते, या जे कहो कि माता पिता को देव नहीं मानते। शास्त्र कहता है मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मां नहीं माता पिता नहीं देवा, ना तो वो माता पिताओं को देवतुल्य मानते हैं, ना देवताओं को मानते हैं, और साधु ने सन करवावे सेवा। जो भगवान के भक्त हैं उनसे और सेवा करते तो नहीं और कराते। महाराज कृपा करके मोहित बनाने के लिए हम आए, आ जाइयो और जा कामे कर जाइयो।
या किसी काम के लिए जाते हैं, महाराज मेरा जो काम बन जाए वो अपनी तपस्या की पूंजी लगाएगा तब तुम्हारे काम है करेगा। तुम बाको को पैसा को ना कुछ कर रहे और वो अपनी तपस्या लगा करके अपनी भक्ति लगा करके तुम्हारे काम को कर रहा है तो उससे काम ही तो करा रहेगा। भगवान श्री राम ने जब वनवास गए सर्वंग ऋषि ने कहा राम मैं तुम्हें अपनी पूरी तपस्या तो का फल तुम्हें देता हूं। राम जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, जो सीधी तपस्या कराएगा फल जो लेता है वो तो एक चोर होता है, किसी के कमे कमाए धन को जो लेता है वो आलसी होता है, चोर होता है, लंपट होता है। अगर आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो मुझे आशीर्वाद दो महाराज, जिस तपस्या को आपने किया है वैसे मुझे शिक्षा दो, वैसे मैं स्वयं कर लूंगा, मैं किसी की मेहनत के फल को क्यों लूं, उस उपाय को मुझे बता दो और मैं तपस्या करके अपना मेहनत करके परिश्रम करके और मैं पुण्य कमा लूंगा। तो किसी की मेहनत के फल को लेना अच्छी बात नहीं, मेहनत करो अपनी स्वयं मेहनत करके अपना फल लो, मेहनत का फल ही मीठा। सीधे धने कमे कमाए धन को लेगो तो तुम्हारी उसमें कोई विशेषता नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन जैसे जिनके आचरण हो जाते हैं ना अब ढूंढे राक्षस कौन है, संसार में राक्षस कौन कौन है, तब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं जिनके जया चरण भवानी हो, जैसे आचरण है बस ते जान लोग जय निशाचर है। कहने की क्या बात है, जो खलता कर रहे हैं, दुष्टता कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, माता पिताओं की बात को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, मर्यादा को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते, ऐसे जिनके आचरण है वो निशाचर है, ऐसे बुहार बर्ताव को धरती माता देखती है। आते सहदे की धर्म की गला, आते सहदे के धर्म की गला, परम सबीत धराय कुलानी, परम सबीत धराय कुलानी। जो व्यक्ति ऐसा करता है धर्म को नष्ट करता हुआ प्राणी चला जाता है तब धरती माता घबराती है। कभी सोचा है कि हमारे पाप से धरती पर कितना वजन बढ़ रहा है, हमारे कर्मों से कोई परेशान है कि नहीं, रास्ते में कोई किसी के पैर पर पैर रख करके करता है तो वो तो डूब करके चला जाता है, अकड़ा करके चला जाता है, पर ये सोचा है कि उसके पैर में दर्द हुआ,
क्या नहीं हुआ, उससे क्या बीती। अपने आचरणों से इस धरती माता को जो संसार को जन्म देने वाली, उस पर क्या बीतती है। अपन ने किसी को सुख नहीं दिया, बराबर दुख देते रहे। धरती माता घबराती है, कहती है ये संतान मैंने कैसी उत्पन्न करी। गिर सर से तो भार नहीं मोही, सर से तो भार मोहे करू एक पर जोई, जस मोहे करू एक पर जोई। मेरे ऊपर जितने पहाड़ हैं, समुद्र है, नदियां हैं, वृक्ष है, उनका मेरे ऊपर कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं है। पर मुझे वजन होता है जी द्रोहियों का, पापियों का। जो पाप करता है मेरे ऊपर पाप का भार बढ़ता है। धरती माता देखती है क्या करूं, संसार में ऐसा कोई नहीं रहा जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, सभी धर्म विपरीत हो गए। सकल धर्म देख विपरीतारी, पृथ्वी बारे विचार किया कहां जाऊं क्या करूं। अगर मैं अपने रूप में जाती हूं सब कोई देखेगा। महात्मा पहले जो कंदराव जाकर के छिप गए, रावण आवत सुनो सकोहा और देवन तकी मेरे गिर खोहा। देवता ऋषि मुनि सब कंदराव में जाकर के छिप कर रहने लगे। धरती माता ने विचार किया कि मैं गाय का रूप धार करके और जंगल के लिए जाऊंगी तो कोई सोचेगा कि ये तो गाय है, चरने के लिए जा रहे, कोई मुझ पर संदेह नहीं करेगा। धैनु का रूप धारण करके और जहां देवता ऋषि मुनि छुपे थे वहां गए। उनके सामने कहा हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, तुम यहां छुप करके बैठे हो, तुम्हें पता है कि मेरे पर क्या बीत रही। निज संताप सुनाय सिरोई, निज संताप सुनाय सामने। पृथ्वी मैया रो रो करके कह रही है पता है तुम्हें मेरे पे क्या बीत रहा है, मेरा क्या हो रहा है, आप यहां छुप करके बैठे हैं। जैसे आज वर्तमान में देखा जाए माता पिता वृद्ध बूढ़े जिनकी घर परिवार में चलती नहीं है ना, वो चुपचाप बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं या कहीं परिवार में बैठ जाते हैं। उनकी क्या दुर्दशा होती है, कोई मानता नहीं है। आज देवता ऋषि मुनि सब छुप करके बैठे हैं, धरती माता विचार कर रही है अत्याचार मुझ पर हो रहा है,
आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप देवताओं से कहा, हे देवताओं, आपका आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना मेरी रक्षा करना। देवाधीन है जगत सर्व संसार, तुम्हारे आदि नहीं तो है, फिर भी आप छुप करके बैठे हैं। ऋषि मुनि ज्ञान के प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, फिर भी छुप करके बैठे। तुम तो छुप करके बैठे हैं, परंतु मैं कहा जा, मुझे तो बता। सब ने कहा हम क्या कर सकते, हम कुछ कर सकते तो या छुप करके क्यों बैठते, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। परंतु एक बात है, सब चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए बिरहते गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आते देखा, ब्रह्मा सब जाना मन अनमन, मन में विचार किया मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हे धरती माता, तू तो उनकी दासी है, तू उस ब्रह्म अविनाशी की दासी है। धरन धरम मन धीर कहे बिलंसी हरि पद सुमिरे, जानत जन की पीर प्रभु भंजय दारुण दिपते। सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, सबकी सुनने वाले, सबकी विपत्ति को दूर करने वाले सिर्फ भी परमात्मा ही। जब ब्रह्मा जी ने कहा उस अविनाशी नारायण के पास चल, वो ही सब पर कृपा करने वाले। देवता कहने लगे, सब विचार कर क्या वो मिलेंगे का। बेटे सोरा सब करे बेचारा, ओ मेरे विचार कर रहे कि परमात्मा कहां मिले, वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करें, पुकार करें, अपनी समस्या को सुनाया। पूर्वे कोठ जान कह कोई, पूर्वे कुल के जान कह कोई,
चलो, कोई कहता है क्षीर सागर में चलो। जिसके हृदय में जैसी भावना थी वो सब अपन अपनी प्रकट करने लगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे गिरजा, उसी सभा में मैं भी था। तई समाज गिरिजा में रहे चन एक कहियो अब सर पाए बचन एक कहा। उसी समाज में मैं भी था जब मुझे बोलने का अवसर मिला। आज तो कोई अवसर की प्रतीक्षा ही नहीं करता, बिना अवसर के खड़े हो जाए इतने सब को कहो की सुने ना। यह पंचायत हो जहां विचार विमर्श के लिए सब बैठे हो, बुलाने से बोले उसे मौका देवे तो बोले सही बोले। उसी सभा में मैं भी था, मुझे अवसर मिला तो मैंने कुछ कहा। अरे व्यापक सर बात समाना, अरे व्यापक भोलेनाथ कहने लगे देवताओं परमात्मा सर्वत्र सब में व्यापक है, कण कण में।